नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइन के साथ। सीएम तीरथ ने दिखाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस को हरी झंडी, प्रदेश के अस्पतालों में ऐसे होगी सप्लाई। रेल विकास निगम ने प्रदेश को दी दो बड़ी सौगात, मंत्री धन सिंह रावत ने की घोषणा। प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने दिए 5 करोड़ रुपए, और भी लोगों ने बढ़ाए मदद के लिए हाथ। नैनीताल जिले में हुई भारी बारिश, खैचीधाम मंदिर के पास भारी भूस्खलन, रास्ता बंद। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने 502 पदों पर निकाली भर्ती, आगे जानिए आवेदन प्रक्रिया। कोरोना से बचाव और उपचार के लिए डॉक्टर की क्या है सलाह, देखिए आज की शानदार हेल्थ टिप्स में। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हराईवाला स्थित रेलवे स्टेशन पर केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए भेजी गई 80 मेट्रिक ट्रेन ऑक्सीजन को प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा है कि यह ऑक्सीजन गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में पहले भी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन बेड अस्पतालों में बढ़ रहे हैं वैसे ही खपत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह ऑक्सीजन सप्लाई लगातार आगे भी जारी रहेगा। अब खबर प्रदेश को बड़ी सौगात की। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज एवं संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल को रेल विकास निगम ने आज दो नई सौगात दी हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि रेल विकास निगम श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में उच्च गुणवत्ता के 10 ICU बेड तैयार करके देगा। इसके अतिरिक्त रेल निगम संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर में 1000 MMP क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के साथ ही उच्च गुणवत्ता के 5 ICU बेड स्थापित करेगा। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज में पूर्व में निर्माणाधीन 30 ICU बेड स्थापित किए जाने की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अब खबर स्वास्थ्य सुविधाओं में मदद की। राज्य में कोरोना की खराब स्थिति को देखते हुए रिलायंस फाउंडेशन के अनंत अंबानी उत्तराखंड की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। इसके अलावा राज्य में हर दिन कर्मचारियों, उद्योगपतियों और समाज सेवियों के द्वारा लगातार सरकार को आर्थिक और हेल्थ संबंधी मदद दी जा रही है, जिसके माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सके। अब खबर भारी वर्षा से हुए भूस्खलन की। राज्य भर में एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ भारी वर्षा से काफी बुरा हाल हुआ है। कई जिलों में भूस्खलन के कारण रोड ब्लॉक हुई है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत हुई है। नैनीताल जिले के खैचीधाम मंदिर के पास भी भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण नेशनल हाईवे प्रभावित हुआ है। इसके कारण वाहन आसपास में ही रुक गए हैं। नेशनल हाईवे 87 का रास्ता बाधित हो गया है। नैनीताल जिला प्रशासन के द्वारा आपदा प्रबंधन टीम को पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था। इसके बाद रास्ते को साफ करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दोस्तों, न्यूज टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर मिलिट्री इंजीनियरिंग की। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने ड्राफ्टमैन और सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर के 502 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 मई रखी गई है। आवेदन शुल्क जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपए, जबकि महिला, SC और ST उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। चयन OMR आधारित लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अभी आवेदन के लिए आप अपनी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। अब खबर डॉक्टर द्वारा बताई गई कोरोना हेल्थ टिप्स की। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपको शरीर दर्द, सर्दी खांसी, कब्ज या उल्टी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। घबराएं नहीं, कोरोना बेहद कॉमन है। अगर आप इसकी शुरुआत से ही इलाज कराएं तो इसमें बिना किसी परेशानी के ठीक हुआ जा सकता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना लक्षण वाले मरीज हों, तब डॉक्टर्स आपको घर में ही आइसोलेट रहने को कह सकते हैं। इस दौरान 6 घंटे में ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% से ऊपर है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर गिरावट आती है तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। यह जरूरी है कि आप सही वक्त पर सही इलाज लें। उत्तराखंडी शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं पवन शकलैंड सुयाल के बारे में। पवन शकलैंड सुयाल उत्तराखंड के युवा क्रिकेटर हैं। वह एक ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेला था। पवन का जन्म 15 अक्टूबर 1989 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। अपनी प्राथमिक शिक्षा उन्होंने यहीं से पूरी की। वह एक बाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज हैं जो वर्तमान में इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली डेयर डेविल्स टीम का हिस्सा हैं। वर्ष 2018 से 19 रणजी ट्रॉफी से आगे उन्होंने दिल्ली से नागालैंड स्थानांतरित किया।
हालांकि जुलाई 2019 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद नागालैंड क्रिकेट एसोसिएशन ने सुयाल को 2019-20 क्रिकेट सत्र से आगे जारी किया। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।